जय गणेश स्वामी भोलेनाथ शंकर वंशी और रामचंद्र जी माता की। नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि जनरली मुझे वीडियो अपने जूनियर्स के लिए, अपने छात्रों के लिए, उनको अपडेट देने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए वीडियो बनाना पड़ता है। आज ये वीडियो मैं अपने दोस्तों के लिए बना रहा हूँ, अपने साथ पढ़ने वाले दोस्तों के लिए बना रहा हूँ। और ये वीडियो मैं खुद देखूंगा जब मैं 70 साल का हो जाऊंगा, 75 साल का हो जाऊंगा, और हम सभी जब उस एज में होंगे तो अपने इस छात्र जीवन के इस मोमेंट को जरूर याद करेंगे। हम लोगों ने ये 3 साल 4 साल 5 साल विश्वविद्यालय में पढ़ाई करी है और फाइनली उसका परिणाम हमें मिलने जा रहा है। विश्वविद्यालय में पहली बार इतना बड़ा कन्वोकेशन होने जा रहा है, 3 साल के बच्चों को एक साथ डिग्री मिलेगा। कोविड की वजह से उनको डिग्री नहीं मिल पाया, तो फाइनली कई सारे धरना प्रदर्शन भी करने पड़े। थैंक गॉड कि हम लोग को, यानी 2020, 2021 और 2022 तीन सेशन को एक साथ डिग्री मिलने जा रहा है। एफिलेटेड RGSC, MMB, AMPG, BCW, इन सभी को एक साथ एक ड्रेस में देखने का मौका, सबसे बड़ा एक्साइटिंग मोमेंट यही है कि हर किसी को देखेंगे, हर किसी को जानेंगे। और एक्चुअली एफिलेटेड के बच्चे भी मेन कैंपस में आएंगे, और तो इस फीलिंग को तो हम लोग ही समझ सकते हैं। और काशी विश्वविद्यालय अपने आप में एक है भी, बहुत एक्साइटिंग, बहुत नेचुरल। हम लोग हर रोज स्टेटस लगाते हैं, कितने सारे मोमेंट है, लंका गेट, BT, SC घाट, कई सारे पार्क उनके लिए जो पार्क में जाते थे तो मोमेंट बहुत सारा है, बहुत सारे लोगों ने मोमेंट बहुत बनाया भी होगा। तो मैं आप सभी लोग से विनम्र निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि देश के किसी भी कोने में हो, 10 तारीख नहीं भूलना है, अपने ड्रीम डायरी पर नोट कर लो, 10 दिसंबर 2022 काशी हिंदू विश्वविद्यालय महामना जी का बगिया में आप सभी का स्वागत है। प्लीज जरूर आए, किसी के भी साथ हो, आपकी शादी हो गई हो, अपने धर्म पत्नी के साथ आए, अपने पति देव के साथ आए, अपने गर्लफ्रेंड के साथ आए। बाय द वे, लड़कियों के भी जरूरी नहीं है बॉयफ्रेंड हो, तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आए, और जिनके नहीं है वो भी आए। हम जैसे लोग, हम लोग अपनी डिग्री लेने के बाद चला जाएगा 80 घाट और डुबकी लगा के बोला जाएगा हर हर महादेव। बहुत बहुत मोमेंट है यार, बहुत बहुत क्या बताएं, ये इस इमोशन को तो हम लोग ही समझ सकते हैं। आप लोग अपने इमोशंस को जरूर मेरे को शूट करके भेजिएगा, अगर बहुत किसी को अच्छा पॉइंट से याद हो, अपने मोमेंट से याद हो अपने 3 साल के समय में, और कमेंट्स करिएगा। बेसिकली राइटिंग में भी बहुत दम होता है, आप लोग राइटिंग करिएगा कि क्या क्या इमोशन है विश्वविद्यालय के साथ। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, बहुत मज़ा आएगा। मैं इस कॉमेंट को पढ़ूंगा और स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट भी करूंगा सोशल मीडिया पर, कैसे कैसे इमोशंस लोगों के अंदर है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, डिटेलिंग करेंगे कि फाइनली जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का 10 दिसंबर 2022 को 3 सेशन का कन्वोकेशन होने जा रहा है, ये 102 कन्वोकेशन है, ध्यान दे दीजिएगा 102वां, और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, आपको कौन से फॉर्म भरने हैं, कहाँ जमा करना है, और सबसे बड़ी बात गर्ल्स और बॉयज के लिए जो हमारा एक ट्रेडिशनल ड्रेसअप है वो हमें पहनने का भी मौका मिलेगा, साफा, और वो लड़कियों के लिए साड़ी और पैजमिया, कुर्ता, क्या मज़ेदार मोमेंट होगा यार। प्लीज़ आप सभी लोग ज़रूर आएँ, इसी मोमेंट के लिए तो मैं आपको बुला रहा हूँ, आना ज़रूर, ठीक है। और हर किसी के साथ आओ, अगर हो सकता है कुछ लोग के बच्चे भी हों तो उनको भी लेकर आना, हम सभी लोग सेलिब्रेट किया जाएगा, सेल्फी ज़रूर लिया जाएगा आपके बच्चों के साथ, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है, कुछ लोग की शादियाँ तो हम ही लोगों ने अटेंड किया, हम लोगों ने डांस वांस भी किया है, दावत भी देना है यार, लगन का सीजन चल रहा है, कुछ लोग हो सकता है शादी वादी में जाने वाले हो तो वो लोग भी आए अपनी शादियों के साथ, ठीक है। तो चलिए पॉइंट्स को हम लोग काउंट करते हैं, अब एक एक पॉइंट्स को। ये जो है ये ऑफिशियल नोटिस है, ठीक है, जो BHU ने दिया था, हो सकता है स्क्रीन पर बहुत अच्छा ना नजर आ रहा हो, तो बस मैं आपको ओरली सुना रहा हूँ, आप लोग ध्यान देना। और ये लेटर जो है मैं इसी चैनल के कम्युनिटी में स्क्रीनशॉट लेके डाल दूंगा, आप लोग उसको पढ़ लेना बकायदा, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, गूगल ड्राइव से या टेलीग्राम से, आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लेना क्या क्या इसमें डिटेलिंग, क्या क्या पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर डेट दिया गया है जो कि 102वां कन्वोकेशन हमारा, यानी दीक्षांत समारोह
10 दिसंबर 2022 को होने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन जो कि 10 और 12 के बीच में होना है, और उसके बाद 7 और 9, ठीक है, 7 और 9 को आपको मिलेगा साफा और एक होता है उतरिया जो ऐसे लटकाते हैं। तो ये बहुत कंपलसरी है, हर किसी को लेना है। और ये कहां मिलेगा इसका डिटेलिंग इन्होंने दे रखा है कि ये कहां मिलेगा। देखो इन्होंने ये फॉर्म है, ये फॉर्म मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा या गूगल ड्राइव पे डाल दूंगा, आई थिंक बहुत सारे लोग को फॉर्म मिल भी चुका होगा, ठीक है। तो ये फॉर्म आप लोग को भरना है, यहाँ फैकल्टी आप यानी जिस फैकल्टी के हो, आर्ट्स के हो, सोशल के हो, साइंस के हो, जिस भी हो, लॉ फैकल्टी के हो, ठीक है। यहाँ पे आपका नाम लिखना है ब्लॉक लेटर में, ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग, फादर नेम, एग्जामिनेशन रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, डिग्री ऑफ रिसीट, फुल एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। उसके बाद आपको यहाँ पर ना साइन करके इसको सबमिट कर देना है। कहाँ सबमिट करना है? अपने रिलेटेड फैकल्टी में, ठीक है, जिस भी फैकल्टी में आप आते हो, जैसे जो बीए कर रहे हैं वो आर्ट्स फैकल्टी में, जो सोशल साइंस से हैं, ठीक है, जो आर्ट्स वाले हैं आर्ट्स फैकल्टी में, जो सोशल साइंस वाले हैं सोशल फैकल्टी में, जो बीएससी कर रहे हैं वो साइंस फैकल्टी में, इस तरीके से लो। ध्यान देना है कि एफिलेटेड के भी जो बच्चे हैं वो भी अपने फैकल्टी में यानी मेन कैंपस के फैकल्टी में इसको सबमिट करेंगे। इसको ऑनलाइन सबमिट करने का भी प्रोसेस है, उसके लिए ईमेल आईडी इन्होंने बनाया है। मैं ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां से आप लोग इसको डायरेक्टली भर के ईमेल कर सकते हो। इसका प्रिंट आउट निकालना, भरना और इसको मेल कर देना, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसके बाद हम लोग का ड्रेसअप का यहाँ पे पूरा डिटेलिंग है, ठीक है, फीमेल के लिए और मेल के लिए। कलर यहाँ पे देखो लिखा हुआ है व्हाइट एंड रेड बॉर्डर वाली, ये गर्ल्स के लिए है, ठीक है। ब्लाउज जो होगा रेड, कुर्ता पैजामिया व्हाइट, अच्छा सॉरी ये मुझे लग रहा है किसके लिए है यार, मतलब जाहिर बात है गर्ल्स के लिए होगा, तो आई थिंक लड़कियां पहले जानती होंगी उन्हें क्या पहनना है। तो आप लोग क्योंकि हम लोग का इमोशन है, हम लोग इतने सालों से अपने भैया और दीदी लोग को देख रहे हैं पहने हुए, और कई सारे पिक्स भी जो हैं वायरल होते रहते हैं, तो आप लोग वही कपड़े पहनेंगे। और जो लड़के हैं वो ठाट बाट से अपना कुर्ता पैजामा पहने, चाहें तो उस पर आप लोग एक छोटा सा हाफ जैकेट डाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा उसका भी कलर जनरली ब्लैक वगैरह ना रहे तो ज़्यादा अच्छा है, एलो या ऑरेंज रहे तो चलेगा, ठीक है। बाकी साफा और जो आपका उधरिया है वो आपको आपके डिपार्टमेंट फैकल्टी में मिलेगा, और वो कब मिलेगा? 7 से 9 के बीच में मिलेगा। उसके लिए कुछ पेमेंट भी करना होता है, वहां पे आप जाओगे फॉर्म भर के पेमेंट करोगे तो मिल जाएगा उसको बकायदा पहन वहन के। तो ध्यान देना है कि उसी दिन मत, जब बॉयज हैं उसी दिन नहीं कि अपना दाढ़ी बाल सेट कराएं, वो थोड़ा रफ लगेगा, थोड़ा पहले ही करा लेना, ठीक है। और लड़कियां ऑफकोर्स वो भी अपना यू गो फॉर ब्यूटी पार्लर एंड ऑल, जो खूबसूरत हैं उनको कोई जरूरत नहीं है, हर कोई खूबसूरत है, नेचुरली आना यार, ज़्यादा मजा आएगा। मैं शायद एक आध दो लाइन आगे बोल दूँ, प्लीज मुझे माफ करना, ठीक है, डोंट माइंड, ओके, ठीक है। तो ये फाइनली ज़्यादा नहीं हुआ ना, प्लीज माफ करना यार, एक्चुअली जस्ट मैं एक्साइटेड हूँ इसीलिए वर्ड्स निकल जा रहे हैं। मैं जनरली बहुत सीरियस रहता हूँ, मुझे यार कोई जानता है कि मैं बहुत सीरियस रहता हूँ, आज बस ये इमोशन निकल रहा है। और मैं सच बता रहा हूँ, इस वीडियो को मैं खुद देखने वाला हूँ 65 ईयर्स आफ्टर, 70 ईयर्स पे, 72 ईयर्स पे, और मैं भेजूंगा भी आप लोगों को, क्योंकि मैं तो इजिली सोशल मीडिया पर अवेलेबल हूँ, मुझे बहुत सारे लोग देखते भी होंगे, और देखते क्या होंगे, मुझे आप लोगों ने ही तो यहाँ तक पहुँचाया है, क्योंकि मैं स्टार्ट भी आप लोग के साथ ही किया था, जस्ट आफ्टर आफ्टर माई सेकेंड सेमेस्टर, जब मैं सेकेंड ईयर में गया, बस मैंने यूट्यूब पे स्टार्ट किया। मैं बहुत बहुत मिस करूँगा अपने सभी दोस्तों को, मुझे बहुत सारे लोग मिलते भी हैं एफिलेटेड के, मेन कैंपस के, अब मुझे वो भी याद है एलटी के बाहर जब हम लोग पढ़ाई करके निकलते थे, फिर दूसरा बैच जाता था, 100-150 का ग्रुप होता था यार, हर कोई दोस्त ही होता था वहाँ पे, हर कोई दोस्त है। हाँ, हर हर महादेव भाई आ गया, दोस्त आ गया, और कौन सी क्लास है, कहाँ जाना है, क्या इमोशन है। अब ये सब चीज़ें यादें रहेंगी, बस यादों में रहेंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे मौका मिला तो हम सभी लोग, हर कोई आएगा कैंपस में, चाय पिएगा, खूब समझ में आ रहा है, हर किसी से मिलना, और जिससे बहुत दिनों से बातें नहीं हुई उससे भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरी उनसे बातें नहीं हो पा रही हैं, ऑफकोर्स मैं भी बातें करूँगा, आप लोग भी करना। और हम लोग उस दिन स्पेशल फोटोग्राफरी का भी हम लोग जगह जगह पे प्लान करेंगे, ऑफकोर्स मैं तो करने वाला हूँ, दो तीन जगह पे फोटोग्राफरी का सेटअप रखूँगा, आई थिंक जितने भी इक्विपमेंट हो सकते हैं, जितना भी हो सकेगा रिकॉर्डिंग का, वो सब मैं अरेंज करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि खुद मेमोरेबल मोमेंट है, तो मैं खुद इसको इंजॉय करना चाहता हूँ और सभी के साथ करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो हम सभी के लिए था, इन 3 सेशन के लिए था, इसमें एक सेशन सीनियर है और एक सेशन जूनियर है, हम लोग बीच वाले में हैं।
वंडरफुल, बहुत मजा आएगा। प्लीज इस इमोशन को बरकरार रखना और मिलते हैं हम लोग 10 दिसंबर 2022 काशी हिंदू विश्वविद्यालय महामना के बगिया में। खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और ध्यान दें, आपका स्वागत है, जरूर आइएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव।